please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Vikas Sethi sahab bhi hamare sath jud chuke hain. Sethi sahab, aap kis tarah se dekh rahe hain sare development ko? Kya lagta hai aapko? Jis tarah se FIIs lagatar bech rahe hain, kya market ke liye aur niche jane ka rasta nahi khula hai? गुड मॉर्निंग प्रदीप, गुड मॉर्निंग हेमंत। नहीं, मेरा भी मानना बाकी एक्सपर्ट्स की तरह ही है। मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है, पहले तो मुझे नहीं लगता कि उतनी गिरावट के साथ हम खुलेंगे, और अगर फर्ज करें उतनी गिरावट के साथ खुलते हैं तो बेचने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। मुझे लगता है बाज़ार में अब 3-4 दिन की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव है, जो US और चाइना का ट्रेड वार है वो काफ़ी हद तक मतलब दिक्कतें बनाए हुए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है हमारी इकोनॉमी के दिन अच्छे हैं, मूड पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये जो FIIs की भी जो सेलिंग हो रही है वो ठीक से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स पचा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे लगता है अगर इस तरह की गिरावट रहती है तो अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स बिल्कुल खरीदे जाने चाहिए, और अगर आपका नज़रिया 4-6 महीने का है तो डेफिनेटली ये बाज़ार खरीदारी करने का ही बाज़ार है। मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, थोड़ा कॉशियस जरूर रह सकते हैं ट्रेडर्स, बट कोई भी अच्छी गिरावट आती है वहाँ पे खरीदारी करेंगे तो फिर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी पैसे बनने के पूरे पूरे चांसेस। परफेक्ट। तो देखिए, एक नहीं 4 एक्सपर्ट्स एक ही राय आपको दे रहे हैं, डरिए मत बाजार से, घबराइए मत, डटे रहिए, नीचे अच्छे शेयर खरीदिए। और कल भी हमने देखा कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स में तो क्या तेजी देखने को मिली। तो ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स आज भी दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। चलिए पिक्स लेने की शुरुआत करते हैं। सुखानी साहब बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर है? देखिए, नज़र आपने कहा है कंजम्पशन पर है, और जो हाई मैंने परफॉर्मिंग कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं ऑटो है, सो UBL खरीदिए। UBL पहले भी इस लिस्ट में आ चुका है बार बार, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, तेज़ी का माहौल इसमें बना हुआ है, और 1270 का स्टॉप लगाइए और 1315 का टारगेट। देखिए, चूँकि आज गैप डाउन हो सकता है तो ये टारगेट और स्टॉप्स थोड़े थोड़े एडजस्ट करने पड़ेंगे मार्केट कहाँ ये खुलता है उस पर फिर भी रुख यही है कि आप खरीदिए। उसी तरह से M&M खरीदिए, 900 का स्टॉप लगाइए और इंट्राडे के लिए 930 तक का टारगेट बना के चलिए। और एक शेयर है जो बेचना बनता है, वो है कमिंस। कमिंस अपने बियर मार्केट में है, तो मंदी के माहौल में भी उसको बेचने में रिस्क बहुत कम है। 680 का स्टॉप लगाकर 650 का टारगेट रखिए, और मंदी में जो अगर गैप डाउन होता है वहाँ पर अच्छे शेयर, मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं, अच्छे शेयर खरीदने का ही मन बनाइए। ओके, तो दोनों तरफ के ट्रेड आपके लिए है। कमिंस इंडिया पर बेचने की राय आ रही है सुदर्शन सुखानी जी की ओर से। UBL खरीदेंगे, 1315 के टारगेट, 1270 पर लगाएंगे स्टॉप लॉस। और एक और खरीदारी वाला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 930 के टारगेट, 900 पर आप स्टॉप लगाएं। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स खरीदने के मौके गिरावट में ढूंढें, यह है स्ट्रैटेजी सुदर्शन सुखानी की ओर से।